माय डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, आज हम फिर वापस आ गए हैं आपके लिए कुछ खास लेकर के। खास ये था कि इससे पहले के सेशन में हम लोगों ने हार्ड ड्राइव और उसके इंटरनल पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप समझे थे। उससे पहले हम लोग हार्ड ड्राइव से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें सीखे थे। इसमें कुछ बहुत छोटी सी पॉइंट है जो छूट गया, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करूं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हार्ड ड्राइव में जो है एक फिजिकल कंपोनेंट, मगर हमारा जो कंप्यूटर है, जो हम लोग वर्क करते हैं, वो कंप्लीटली लॉजिकल है, कंप्लीटली काल्पनिक है। जी हाँ, जो भी सॉफ्टवेयर डेटा आप जो भी देख रहे हो, वास्तव में वो कुछ है ही नहीं। क्या वास्तव में कुछ है? कुछ ऐसा चीज है जिसको आप पॉकेट में ले लो? नहीं। वो जब तक आपका डिवाइस है तभी तक आपको वो डेटा मिलती है, तभी तक आप उस डेटा में काम कर पाते हो। जैसे ये आप वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो काल्पनिक है, ये लॉजिकल है, ये फिजिकल चीज को कैप्चर करके आपके पास रिप्रेजेंट किया जा रहा, बल वास्तव में ये लॉजिकल है। सो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हार्ड ड्राइव में जो फिजिकल कॉम्पोनेंट होते हैं वो लॉजिकल डेटा को स्टोर करने का काम करता है। तो हमें समझना होगा हार्ड ड्राइव के फिजिकल एंड लॉजिकल दोनों कॉम्पोनेंट को स्टेप बाय स्टेप, तभी हमारा 100% क्लियर हो पाएगा। जी हाँ, तो कल मैंने आपको सारा फिजिकल कंपोनेंट हार्ड ड्राइव का बता दिया था, उसको एक बार मैं रिव्यू कर देता हूं आज आपको, और आपको लॉजिकल कंपोनेंट सारे स्टेप बाय स्टेप आज आपको बता देता हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो प्लीज आप इसको स्टेप बाय स्टेप वॉच करें ताकि आपका पूरा का पूरा हार्ड ड्राइव क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना बचे। आगे चल करके इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, उससे कॉज, उसके सॉल्यूशन, इन सारे चीजों पे हम लोग बात करेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा ये सेशन है वो हार्ड ड्राइव के दोनों कंपोनेंट के बेस्ड पे है, फिजिकल कंपोनेंट और लॉजिकल कंपोनेंट, इन दोनों पे। पहला तो फिजिकल जो आपको दिखता है और लॉजिकल जो उस पे रहता है, जी हाँ, जहां पे हमारा डेटा स्टोर होता है, उनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट है। चलिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले जाता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज हम लोग हार्ड ड्राइव के सारे कंपोनेंट के लेआउट को देखेंगे, इससे पहले मैंने आपको फिजिकल कंपोनेंट सारे बताए थे, फिर भी मैंने आपको बताया कि एक रिव्यू कर लेते हैं हम लोग, थ्योरेटिकल दृष्टिकोण से, थ्योरी के बेस पे समझ लेते हैं सारे कंपोनेंट को। टॉपिक में आपको दिख रहा होगा फिजिकल कंपोनेंट ऑफ हार्ड ड्राइव, जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट हमारा है प्लेटर। जी हाँ, प्लेटर, वो जो डिस्क मैंने आपको दिखाया था मिरर के जैसा, उस डिस्क को प्लेटर कहते हैं। जी हाँ, उस प्लेटर के बारे में खास बात यह है कि प्लेटर की संख्या वेरी कर सकती है हार्ड ड्राइव के ऊपर। किसी हार्ड ड्राइव में एक प्लेटर होता है, किसी में दो होता है, किसी में चार भी होता है। जी हाँ, वो डिपेंड करता है आपके हार्ड ड्राइव पे, तो वो आपको खुलते ही दिख जाती है। ठीक है, प्लेटर क्या है? एक मैकेनिकल डिस्क है जो कि एक पर्टिकुलर स्पीड में अपने एक्सिस में रोटेट करती है, घूमती है, मोटर के मदद से वो रोटेट करती है, और वही वो डिस्क है जहां पे हमारा डेटा रहता है। तो हमें समझना है प्लेटर के स्पीड में, और क्या समझना है प्लेटर? प्लेटर में एक प्रकार का मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस को फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये सब्सटेंस जब ये फुल स्पीड में रोटेट करता है एक पर्टिकुलर आरपीएम में, तो उस आरपीएम में रोटेशन होने के वजह से इस प्लेटर का क्या होता है कि वो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो डीमैग्नेटाइज होती है, और डीमैग्नेटाइज होने के वजह से ही हमारा वो प्लेटर वर्क कर पाता है, उसमें डेटा स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट हो पाती है। तो सबसे अहम भूमिका हम कह सकते हैं यहाँ पे प्लेटर का है। प्लेटर वो एरिया है जहां पे हमारा डेटा स्टोर होता है फिजिकली प्लेटर। दूसरा हमारा जो कंपोनेंट था वो मोटर। प्लेटर जिस मोटर पे कंसिस्ट होती है उसको स्पिंडल मोटर कहते हैं। ये मोटर है वो पार्ट है जिससे हमारा प्लेटर कनेक्टेड होता है, और इस मोटर का काम है प्लेटर को एक पर्टिकुलर फुल हाई स्पीड रफ्तार से घुमाना, रोटेट कराना। रोटेशन का काम जो होता है प्लेटर का ही होता है, मोटर का ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, प्लेटर के अलावा स्पिंडल मेटल जो क्या करता है, स्पिंडल मोटर आपके प्लेटर को रोटेट करवाती है, घुमाती है। इस मोटर के वजह से ही आपके प्लेटर को एक पर्टिकुलर स्पीड मिलता है, रफ्तार मिल पाता है, और वो पर्टिकुलर स्पीड में घूमती है, एक आरपीएम पे घूमती है। आपको मैंने आरपीएम के बारे में बताया था कि अलग अलग आरपीएम अलग अलग हार्ड ड्राइव का होता है। जैसे कुछ हार्ड ड्राइव 5400 आरपीएम पे काम करती है, 5400 रोटेशन पर मिनट, राउंड पर मिनट, कुछ 7200 आरपीएम, कुछ उससे भी हाई 10000, 12000, 15000
रोटेशन पर मिनट के रफ्तार से काम करती है। जिनका भी सेशन वो छूट गया हो कल का और उससे पहले का, तो वो आप चैनल में जाए, जाकर के वो सेशन जरूर अटेंड कर ले ताकि वो सारा आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हर एक डॉट दूसरे डॉट से कनेक्टेड है, तो एक भी सेशन छूटता है तो दूसरा सेशन में आपको प्रॉब्लम होगी। सो प्लीज हर एक सेशन को अटेंड करना आपका फर्ज बनता है। सो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है फिजिकल कंपोनेंट में, वो है रीड राइट हेड। जी हाँ, जैसे कि आप एक कॉपी में अगर आपको लिखना हो तो आपको क्या चाहिए होता है, पेन चाहिए होता है। पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो, आप अपने आंखों के सहारे से पढ़ते हो, आप देखते हो, समझते हो, आपको रीडिंग कैपेसिटी आती है, तो पेन के मदद से आप लिखते हो। प्रिंटर से जो प्रिंटिंग होती है वो भी उसी प्रकार से, उसमें एक नीडिल होती है, पिन होता है और इंक होते हैं जिसके मदद से छपाई होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो डिस्क है, वो आपने कल देखा, वो जो प्लेटर है, उस डिस्क में जो डाटा है या उस डिस्क में जो डाटा डालना है, उस डाटा को रीड करने के लिए या वहां पे डाटा को राइट करने के लिए, मतलब वहां पे डाटा कॉपी करने के लिए, पहुंचाने के लिए, एक स्पेशल फिजिकल कंपोनेंट है जिसको हम लोग कहते हैं रीड राइट हेड, या शॉर्ट में आप इसको हेड भी कह सकते हो। जैसा काम है उस हिसाब से इसका नाम दिया गया, रीड राइट हेड। तो रीड राइट हेड का क्या काम है कि प्लेटर में जो हमारा डेटा है या डेटा हमको डालना है, तो उस डेटा को रीडिंग करना या राइटिंग करना, यानी वहां से हमारे लिए जो डिस्क में जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा को हम लोग रीड और राइट, रीड राइट हेड के मदद से ही कर पाते हैं। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बात बता दूं, ऑलरेडी बताया हुआ हूं कि प्लेटर का जो डिस्क होता है, और डिस्क के दोनों साइड में डेटा हमारा स्टोर होता है, तो दोनों साइड का डेटा को रीड और राइट करने के लिए आपका जो रीड राइट होता है वो दोनों तरफ से कंसिस्ट होता है। सपोज करो ये मेरा हाथ जो है वो एक प्लेटर है और ये आपका रीड राइट हेड है। रीड राइट हेड कुछ ऐसा होता है जो कि नीचे से भी होता है और ऊपर से भी होता है। तो ऊपर का एरिया को कवर करता है ऊपर वाला रीड राइट हेड, और नीचे से कवर करता है नीचे वाला रीड राइट हेड। मैंने आपको फिजिकली कल के प्रैक्टिकल में ये दिखाया था रीड राइट हेड की संख्या, यानी अगर एक प्लेटर है तो उसमें रीड राइट हेड कितनी होगी, दो होगी। अगर दो प्लेटर है तो रीड राइट हेड की संख्या कितनी होगी, चार होगी। जी हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इन साइड हार्ड ड्राइव दैट रीड एंड राइट डेटा ऑन टू द डिस्क। सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जिसका काम होता है आपके डिस्क के डेटा को रीड और राइट करना। सिंपली समझ दो, रीड राइट हेड जैसा नाम हो वैसा काम है। इसका काम है डेटा को रीड और राइट करना, कहाँ पे, प्लेटर पे। प्लेटर जो हमारा डिस्क है, उस डेटा, उस वहां के डेटा को रीडिंग और राइटिंग करने का काम आपका रीड राइट हेड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है इक्वेटर। इक्वेटर आर्म एंड इक्वेटर एक्सिस भी इसको कहते हैं। इक्वेटर जहां पे आपका हेड कंसिस्ट होता है, सपोज करो ये इक्वेटर है, ये आपका रीड राइट हेड है, रीड राइट हेड आपके इक्वेटर पे जुड़ा होता है। समझ लो ये आपका हाथ है, ये आपका शोल्डर है, तो शोल्डर से आपका हेड कनेक्टेड, दिस शोल्डर को हम लोग कह सकते हैं इक्वेटर, और ये हमारा है रीड राइट हेड। रीड राइट हेड, ये हमारा हाथ जो है वो रीड राइट हेड है। शोल्डर को कह सकते हैं हम लोग इक्वेटर और हाथ को कहते हैं हम लोग रीड राइट हेड। ठीक है, तो शोल्डर से हमारा जुड़ा हुआ है, इसके वजह से ही हमारा हैंड का मूवमेंट होता है, हम लोग अपने हैंड को अलग अलग जगह पे मूव कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर की वजह से रीड राइट हेड मूव कर पाता है, रीड राइट हेड जुड़ पाता है और रीड राइट अपने काम को सही ढंग से कर पाता है, रीडिंग और राइटिंग का काम कर पाता है। तो इक्वेटर वो है जिससे कंसिस्ट होता है आपका रीड राइट हेड डायरेक्टली। जी हाँ, और इक्वेटर का काम होता है वो रीड राइट हेड के मूवमेंट को कंट्रोल करना। थ्योरेटिकली क्या लिखा हुआ है, जैसे आप देखो पढ़ो, दिस इज अ होल्डिंग, एक होल्डिंग है, होल्ड करने वाला, दैट कंसिस्ट विद रीड राइट हेड, जो रीड राइट हेड से जुड़ा हुआ होता है, एंड इट्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ रीड राइट हेड, और ये क्या करता है, रीड राइट हेड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जी हाँ, इससे पहले कि आप ये सारे टॉपिक सिंपली थ्योरेटिकली समझ जाओ, मैं आपको इमेज के रूप में दिखा दूं। कल मैंने जो प्रैक्टिकल दिखाया था उसी सेम हार्ड ड्राइव का, वो जो आपको व्हाइट कलर का डिस्क दिख रहा है जिसको एरो करके भी मैंने दिखा दिया, वो है प्लेटर। बीच में जिसमें डिस्क आपका कंसिस्ट है वो हो गया स्पिंडल मोटर, जो आपके प्लेटर को रोटेट करने में हेल्प करता है। और जो मेन आपको नीडिल सुई दिख रही है फ्रंट की ओर, दैट इज कॉल्ड आरडब्ल्यू हेड, मतलब रीड राइट हेड, वही है वो छोटा सा पार्ट, वो जो उंगली जैसा दिख रहा आपको छोटा सा, वही है रीड राइट हेड, जो आपके स्प्लेटर के मौजूद डेटा को रीडिंग और राइटिंग करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा इक्वेटर आर्म। आर्म जैसे ये हमारा आर्म हो गया, ये हमारा हथेली हो गया, इससे पकड़ करके हम लोग कुछ भी लिखते हैं, उसी प्रकार से इस हाथ आर्म के सहायता से ही वो सारा
हम लोग कंट्रोलिंग कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इक्वेटर का हैंड आर्म, इक्वेटर की एक्सिस, एक्सिस मतलब कच्छा जिसमें वो रोटेट करती है, वो अलग अलग एरिया डिस्क को कवर करती है लेफ्ट एंड राइट मूव करके, ठीक है। और खुद इक्वेटर जिससे आपका रीड राइट हेड जुड़ा होता है, आप इमेज में ये सारे कंपोनेंट को देख करके भी बहुत आसानी से उसके काम को, नाम को समझ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये फिजिकल कंपोनेंट सारा समझ में आ गया होगा। अब मेन हमारा जो मेन टॉपिक आज का है वो है हार्ड ड्राइव का लॉजिकल कंपोनेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जी हाँ, यहाँ तो वो सारे चीज आपको दिख रहे हैं जो वास्तव में दिख रहे हैं, बट वास्तव में यहाँ पे जो डाटा रहता है वो ऐसा चीज है जो दिखता नहीं। सपोज करो इस हार्ड ड्राइव में 10 मूवीज रखे हुए हैं, कुछ वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल है, क्या आपको वो दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, वो दिख ही नहीं सकते ना, वो लॉजिकल है। जैसे हवा, हवा दिखती है? नहीं दिखती है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो डेटा है फिजिकल हार्ड ड्राइव के अंदर वो लॉजिकल है, काल्पनिक है, वो दिखता नहीं है, ठीक है। उसको समझना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग आ जाते हैं लॉजिकल कंपोनेंट पे। तो लॉजिकल कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है ट्रैक। अब ट्रैक जैसा नाम है, देखो तो कोशिश क्या करना चाहिए ना कि हर सवाल में ही उसका जवाब छिपा होता है, तो आपको हर सवाल से ही जवाब मिल जाएगा। ट्रैक क्या है? ट्रैक आपने इससे पहले कहीं सुना? बिल्कुल सुना। रेलवे ट्रैक, पट्टी जिस पर रेल चलती है, ट्रेन दौड़ती है, रेलवे का ट्रैक होता है ना, दो पैरेलल बिछा रहता है पैरेलल वे में, ठीक है। तो वो ट्रैक आपने सुना, क्या उस ट्रैक का यूज है? उस पर आपका ट्रेन चलती है, ठीक। इसी प्रकार से ट्रैक एक ऐसा लॉजिकल कंपोनेंट है आपके हार्ड डिस्क ड्राइव का, जो तभी फॉर्म होता है, तभी बनता है जब आपका हार्ड डिस्क का प्लेटर घूमना स्टार्ट होता है, जब वो फुल स्पीड में घूमता है मैंने आपको बताया, जब वो फुल स्पीड में घूमता है यानी उसमें जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का लेयर होता है वो डीमैग्नेटाइज होता है, वो होने के वजह से वो घूमते घूमते एक काल्पनिक सिलेंडर जैसा शेप बन जाता है। यानी मान लो ये प्लेटर है, ये यहां से घूमना स्टार्ट हुआ, ये ऊपर चढ़ा, ये घूमते घूमते क्या हो गया, एक प्रकार का काल्पनिक सिलेंडर बन गया, सिलेंडर का शेप बन गया काल्पनिक। तो सिलेंडर बनने से ही उसमें क्या बना, एक ट्रैक बना, एक सर्कुलर एरिया बना, एक गोल सा रास्ता बना, एक पाथ बन गया काल्पनिक, सिर्फ समझो एक काल्पनिक सर्कुलर एरिया बन गया, एक गोल सा रास्ता बन गया। उस सर्कुलर एरिया को ट्रैक करते हैं, उस काल्पनिक एरिया को ट्रैक करते हैं, एक सड़क बन गया कह सकते हो। जैसे रेलवे का ट्रैक पैरेलल होता है ना, वो तो फिजिकल है, वो आप देख सकते हो, बट यहां पे ये जो ट्रैक है वो सर्कुलर होता है और ये लॉजिकल है, दिखेगा नहीं, सिर्फ समझना है। क्यों बनता है? क्योंकि जब वो प्लेटर फुल स्पीड में घूमती है तो उसके घूमने से जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का लेयर है वो डीमैग्नेटाइज होती है, और उसके डीमैग्नेटाइज होने की वजह से वो आपका सर्कुलर एरिया क्रिएट होता है, ट्रैक क्रिएट होता है, ठीक है। इसको डेफिनेशन में हम लोग समझते हैं क्या लिखा हुआ। व्हेन प्लेटर रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, मतलब आपका जो डिस्क है वो अपने एक्सिस पे, वो अपनी कक्षा में जब घूमती है, इट्स फॉर्म ए सर्कुलर एरिया, वो एक सर्कुलर एरिया क्रिएट करती है ऑन ए डिस्क, डिस्क पे एक सर्कुलर एरिया क्रिएट करती है, लॉजिकल। द सर्कुलर एरिया इज कंप्लीटली लॉजिकल, जो सर्कुलर एरिया पूरी तरह से लॉजिकल है, काल्पनिक है, एंड इट इज फॉर्म ड्यू टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क। ये क्यों बनता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क, आपके डिस्क का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो मैंने बताया आपको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का लेयर होता है, तो उस लेयर के वजह से आपका ये सर्कुलर एरिया बनता है। दिस सर्कुलर एरिया इज कॉल्ड ट्रैक, इस सर्कुलर एरिया को क्या कहते हैं? ट्रैक कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेक्स्ट जो लॉजिकल कॉम्पोनेंट है वो है सेक्टर। तो सेक्टर क्या है? अब इसके नाम में भी जवाब छुपा हुआ, सेक्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा केंद्र, एक सेक्टर, एक ऐसा एरिया जहां पे कुछ रहता हो, जैसे आप लोग बी सेक्टर, अगर आप बोकारो धनबाद में हैं तो वहां पे बहुत सारे सेक्टर वाइज सेक्टर बांट दिया जाता है एरिया को, रहने वाले एरिया को सेक्टर वन, सेक्टर टू, सेक्टर थ्री कहते हैं ना, जहां पे लोग रहते हैं, बिल्डिंग्स है, फ्लोर है, फ्लैट है, फ्लैट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्टर क्या है? यहाँ पे सेक्टर लॉजिकल कॉम्पोनेंट है। सेक्टर जब ट्रैक बन जाती है, जब ट्रैक बन जाती है तो उस ट्रैक पे जैसे रेलवे ट्रैक पे पहिया दौड़ता है, पहिया रहता है, ट्रेन की पहिया होती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो लॉजिकल ट्रैक है, जो सर्कुलर एरिया है, जब वो बन गया, फॉर्म हो गया, देन उस पे कुछ एरिया क्रिएट हुआ, छोटा छोटा एरिया क्रिएट हुआ, बहुत छोटा, बहुत स्मॉल एरिया जनरेट हुआ जहां पे कुछ रखा जा सकता है। ट्रैक बनने के बाद उस ट्रैक के ऊपर छोटे छोटे एरिया क्रिएट हुए,
छोटे छोटे स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट हुए, स्टोरेज एरिया बने, उस एरिया को जहां पे हमारा डेटा रह गया, एक्चुअल में हमारा डेटा सेक्टर पे रहता है, ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर हो रहा, तो उस छोटे एरिया को सेक्टर कहते हैं। एक सेक्टर का साइज 512 बाइट से लेकर के 2KB, या तो 512 बाइट या 2KB, वो डिपेंड करेगा आपके हार्ड ड्राइव पे, कैसा हार्ड ड्राइव, कैसा आरपीएम, तो वैसे ही सेक्टर बनेगा, या फिर 512 बाइट का बनेगा और 2KB का बनेगा, 2 KB का। तो आप सोच सकते हो कि अगर आपका हार्ड ड्राइव का साइज 512 GB है तो आपके हार्ड ड्राइव में कितने सेक्टर होंगे, कितने करोड़ों सेक्टर होंगे, क्योंकि एक सेक्टर का साइज तो इतना ही होता है ना, 512 बाइट या 2KB, 2 KB। और आपको पता है कि 1024 KB बराबर 1 MB होता है, जी हाँ, यानी 2048 सेक्टर बनेंगे तब जाकर के आपको 2 MB का डाटा मिलेगा। 2048 KB का मिलेगा तब आपको 2 MB का डाटा, मतलब सोचो कि कितने करोड़ों सेक्टर आपके हार्ड डिस्क के डिस्क में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि सेक्टर क्या है, सेक्टर वो एरिया है जहां पे हमारा डाटा स्टोर होता है। एक सेक्टर का समझने वाली बात यह है कि एक सेक्टर का साइज 512 बाइट से 2KB होता है, ये याद रखने वाली पॉइंट है, आपको याद रखना है, समझना है, 512 बाइट से 2KB होता है, और सेक्टर वो एरिया है जहां पे हमारा ड्राइव में डाटा स्टोर होता है। सेक्टर इज अ रियल स्टोरेज एरिया ऑफ द डिस्क, लॉजिकल एरिया ऑफ द डिस्क। डेफिनेशन को भी हम लोग देख लेते हैं। सेक्टर आफ्टर ट्रैक फॉर्म, द ट्रैक इज सेपरेटेड इन अ स्मॉल एरिया, जब ट्रैक बन जाती है, आफ्टर ट्रैक फॉर्म यानी जब ट्रैक बन गया, द ट्रैक इज सेपरेटेड इन अ स्मॉल एरिया, ट्रैक जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है छोटे छोटे एरिया में, हैविंग ऑन स्टोरेज कैपेसिटी, जिसमें खुद का उसका एक स्टोरेज क्षमता होता है। सो वी कैन से दैट सेक्टर इज ए एरिया ऑफ अ डिस्क वेयर आवर डेटा इज स्टोर। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सेक्टर वो एरिया है जहां पे हमारा डाटा स्टोर होता है। द साइज ऑफ ए सेक्टर, द साइज ऑफ ए सेक्टर मतलब एक सेक्टर का जो साइज होता है वो बिटवीन 512 बाइट से 2KB होता है। क्लियर, सेक्टर समझ गए। नेक्स्ट हमारा है क्लस्टर, देखो बढ़ता जा रहा, सेक्टर बनी भाई, सेक्टर से हमारा तो कुछ काम होने वाला नहीं है, 512 बाइट और 2KB का क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास तो डेटा हजारों हजारों जीबी पड़े हुए हैं, ठीक है, 10 GB 4 GB का आजकल का तो मूवी हो जाते हैं, तो सेक्टर से हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उस सेक्टर को, बहुत सारे सेक्टर को कंबाइन करते हैं, छोटे छोटे सेक्टर को कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं। जब हम लोग छोटे छोटे सेक्टर को कंबाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, और उसका एक ड्राइव का रूप देते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, अलग अलग ड्राइव, आपका पेन ड्राइव का भी एक ड्राइव होता है, ठीक है, तो अलग अलग ड्राइव का रूप देते हैं, तो उस रूप को कहते हैं क्लस्टर। यानी व्हेन वी कंबाइन द मल्टीपल सेक्टर दिस इज कॉल्ड क्लस्टर, ठीक है। तो क्लस्टर क्या होता है, जब हम लोग अपने यूज के अकॉर्डिंग अपने हार्ड ड्राइव को पार्टीशन करते हैं, अलग अलग ड्राइव बनाते हैं, तो क्या करते हैं, एक्चुअल में हम लोग बहुत सारे सेक्टर को जोड़ते हैं। जैसे कि सपोज करो आपके हार्ड ड्राइव का साइज 512 जीबी है और उसमें से आपने 200 जीबी का सी ड्राइव बना रखा है, तो दैट इज कॉल्ड क्लस्टर। सी ड्राइव क्या है, 200 जीबी वाला, वो एक क्लस्टर है, 200 जीबी का एक क्लस्टर है, कितना जीबी का, 200 जीबी का, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना जीबी का बनाना चाहते हो, आप 10 जीबी का भी बना सकते हो, 5 जीबी का भी बना सकते हो, 1 जीबी का भी बना सकते हो, और 200 जीबी का बना सकते हो, डिपेंड करता है आप पे, आपको क्या जरूरत है, कितना जरूरत है, और आपका हार्ड डिस्क की कैपेसिटी पे कि कितना है, ठीक है। जैसे कि 512 जीबी का हार्ड डिस्क है, ठीक है, 512 जीबी का हार्ड डिस्क है, तो आप उसको अलग अलग क्लस्टर में 4 बनाना चाहते हो, ठीक है, तो 200 का आपने एक बनाया, फिर 200 को बनाया, ये 400 हो गया, ठीक है, और बच गई 100, 112, व्हाटएवर जो भी साइज है, तो 100 जीबी का एक बनाया, आपका 3 हो गया, 50-50 कर दो, 4 हो गया, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी साइज। आगे के सेशन में हम लोग ये सारा चीज सीखेंगे, पार्टीशन वगैरह, अभी तो मैं कंपोनेंट को डिस्क्राइब कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो क्लस्टर क्या है, एक्चुअल में डेफिनेशन अगर हम लोग को देना रहे तो क्या दे सकते हैं, पूरा समझने के बाद ये समझ में आ रहा कि द ग्रुप ऑफ सेक्टर, सेक्टरों का समूह इज कॉल्ड क्लस्टर, सिंपल, द ग्रुप ऑफ सेक्टर, सेक्टरों का समूह इज कॉल्ड क्लस्टर। ये सारे डेफिनेशन मैंने अपने ऑन लैंग्वेज एक्सपीरियंस से लिखा है, ये किसी गूगल या इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किया हुआ इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी बताया कि आई एम ए प्रॉपर परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर मिथिल कुमार मंडल,
जो आपके 12 साल 10 साल एक्सपीरियंस लेकर के आपको मैं इस सारे बात बता रहा हूँ, तो ये मेरे पूरे नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बेस्ड है, ये कहीं से कॉपी कर पेस्ट किया हुआ डेटा नहीं है। सो प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, हो सकता है कहीं पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद टाइप कराया आपके लिए, सेशन तैयार कराया है, देन आपको पेस्ट करा है और बहुत ही आसान भाषा में लिखा है कि कोई भी नॉर्मली आप इजिली समझ सको, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, हमें हमारी भाषा ही जल्दी समझ में आती है, तो मैं आपको उस भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो भाषा आप आसानी से समझ सको। तो क्लस्टर क्या है? क्लस्टर ग्रुप ऑफ सेक्टर को क्लस्टर कहते हैं। इट मीन्स दैट आफ्टर सेक्टर फॉर्म वी अरेंज द ऑल सेक्टर टू स्टोर डेटा, मतलब जब सेक्टर बन गया तो हम लोग सेक्टर को अरेंज करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। वी क्रिएट ड्राइव, हम लोग ड्राइव बनाते हैं लाइक सी डी ई एक्सेट्रा, सो दिस इज कॉल्ड क्लस्टर। तो इस प्रकार से उसको हम लोग उस ड्राइव को क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। तो आई होप आप सभी का फिजिकल लॉजिकल दोनों कॉम्पोनेंट स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो गया होगा, बहुत इजिली आसानी से समझ में आपको आ गया होगा सारा कॉम्पोनेंट, सारा खेल हार्ड ड्राइव का। अब आपको आगे जाकर के बहुत सारी बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि हार्ड ड्राइव में कैसे पार्टीशन बनता है, कैसे डाटा रिकवर आप कर सकते हो, ये सारा चीज बहुत क्लियर हो जाएगा। हार्ड डिस्क को रिपेयर करना भी आप बहुत आसानी से कर पाओगे, क्योंकि अगर आपका ये सारा कॉम्पोनेंट क्लियर है फिजिकल और लॉजिकल, देन प्रॉब्लम जो हार्ड ड्राइव में होगी वो फिजिकल और लॉजिकल ही होता है। तो फिजिकल प्रॉब्लम को फिजिकल तरीके से कुछ वे है जिसके द्वारा सॉल्व किया जाता है, लॉजिकल प्रॉब्लम को लॉजिकल तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो वैसे हम लोग आगे सीख पाएंगे। बट इससे पहले हम लोग सारे कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना जानना सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग कंप्यूटर के हर एक कंपोनेंट को, हर एक कंपोनेंट के कंपोनेंट्स को समझने का कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि अब उस कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन में सेट हो जाएगा। मैं आपको सीढ़ी जो है 0, 1, 2, 3 ऐसे चढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे में 0 फिर 5 पे आ गया, फिर 6 पे आ गया, या फिर आपको नीचे -0 पे ले गया, दैट इज नॉट। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी पर आ रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप लेडर पे जाएंगे तो आपका हर एक टॉपिक जो होगा वो क्लियर हो पाएगा। बीच बीच में मैं थोड़ा आपको भाषण या ऐसे ही लेक्चर दे देता हूँ, वो आदत है, क्या कर सकता हूँ, एज अ टीचर हम लोगों को आदत ही है स्टूडेंट को बहुत सारी बातें, अच्छे अच्छे बातें सिखाना बताना, अगर उनको अच्छा लगे दैट इज गुड, ठीक है। अगर अच्छा ना भी लगे सो दैट इज गुड, क्योंकि बुरा कुछ होता ही नहीं है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, या जो होता है अच्छा होता है, जो आप बोल रहे हो वो भी अच्छे बोल रहे हो और जो आप सुन रहे हो वो भी अच्छे सुन रहे हो, ठीक है। आपके माइंड पे ऊपर होता है कि आप क्या सुनना चाहते, क्या बोलना चाह रहे हो और क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। बट जो भी करो अच्छा ही करो, जो भी हो रहा अच्छा ही हो रहा, सो बी फोकस ऑन गुड, पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव काम किया करो, ये मेरा एडवाइस है आपसे, ठीक है। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो आई होप आपका ये दोनों कॉम्पोनेंट क्लियर हो गया होगा। ज्यादा भाषण देते हुए मैं स्टॉप करता हूँ वीडियो को, और आपको सिंपली जो भी नए हैं वो हमारे चैनल में जाए, उसको लाइक करें, उसको आप देखें, उसको आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, और हर दिन आप सेशन को अटेंड करें, ताकि आपका स्टेप बाय स्टेप हर चीज क्लियर होता जाए, और पुराना जो भी आपका सेशन छूट गया है तो सेशन को आप पुराने वीडियो के चैनल में जाकर के पुराने वीडियो को देख लें, आप वॉच करें। कोशिश करूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स देने का, ठीक है। टाइम की कमी के वजह से मैं पूरा तो नहीं दे पाता आपको, बट कोशिश करता हूँ आपको हर दिन कुछ सिखाने का। आप सीखते रहो, कुछ मंथ में ही हम लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो जो नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज, आप क्वेश्चनिंग करें। देखो, एक चीज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ का बता दूं तो मैं एक बेस्ट क्वेश्चनर था, मेरी हर चीज पे सवाल होती थी। पता नहीं क्या था कि मुझे सवाल करने की आदत हो गई थी, मैं सवाल करता था, बहुत सवाल करता था, अनाप शनाप भी सवाल करता था। टीचर से इसके लिए बहुत डांट भी खाता था, कभी कभी उल्टा पुल्टा सवाल भी कर देता था, टॉपिक से हटके कर देता था। वो नहीं होना चाहिए, क्वेश्चनिंग होना चाहिए, बट प्रॉपर राइट वे क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। मेरी गलती थी वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी सही जो मैंने फिर किया उसको वो भी बता रहा हूँ आपको। तो राइट डायरेक्शन का क्वेश्चन आपको करना चाहिए, जो भी टॉपिक पे डाउट हो आप क्वेश्चन करो, कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन करो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक बना करके आपको लाऊंगा। अगर कोई भी पुराने टॉपिक में भी आपको फिर से कवर अप चाहिए तो फिर से मैं उसका एक सेशन अरेंज करूंगा, बट आपके क्वेश्चन पे, ठीक है।
तो आप क्वेश्चन किया करो, क्वेश्चन करने से ही हमारा माइंड क्लियर होता है। सवाल किया करो, सवाल किया करो, सवाल बहुत जरूरी होता है। सो कीप क्वेश्चनिंग, कीप क्वेश्चनिंग। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, सुप्रभात।